तरावी पढ़ने को लेकर के कुछ विवाद सामने आया था, क्या पूरा मामला था और क्या इसमें आपका संज्ञान में रहा है, क्या कारण है? देखिए, कटघर थाना क्षेत्र में एक पक्ष के द्वारा ये आपत्ति व्यक्त की गई थी कि घर के अंदर कुछ लोगों के द्वारा बाहर के लोगों को बुला के और जो तरावी है वो पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आप सभी को जानकारी रमज़ान का महीना चल रहा है। इसमें मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी कटघर को मौके पर भेज के जांच करवाई गई, तो इस तरह का कोई प्रकरण नहीं पाया गया। और उसके बाद में ये जानकारी मिली है कि जो घर है उसको लेके कोई डिस्प्यूट का मामला था, इसी को लेके लोगों ने वहाँ पे कुछ इश्यू बनाया था, तो दोनों पक्षों को इसी बात के लिए इसमें पाबंदी की कार्रवाई की गई है। एक पक्ष में जो एक व्यक्ति है उनको 20 लाख से पाबंद किया गया है और बाकी की पाबंदी की कार्रवाई चल रही है, और दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको भी इसमें पाबंद किया गया है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के मामले में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर पूजा पाठ करता है या नमाज पढ़ता है या तरावी पढ़ता है तो किसी दूसरे पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की कोई भी हरकत करेगा तो उस पक्ष के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो जनपद में जो कानून व्यवस्था है उसको यदि कोई भी व्यक्ति प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उसके साथ में पुलिस सख्त विधिक कार्रवाई करेगी। तो आपके माध्यम से ये भी बताना मैं चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति इस तरह का कुत्सित प्रयास ना करें। ये सभी को पता है कि जो त्यौहार है, अभी दोनों त्यौहार चल रहे हैं, रमजान का महीना भी चल रहा है और इसमें जो नवरात्रा हैं वो भी चल रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी कुत्सित प्रयास करेगा उसके साथ में पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। और दोनों ही पक्षों से आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि अपने जो त्यौहार है उसको शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और कोई भी इस तरह का उचित प्रयास ना करें, अन्यथा पुलिस उनके साथ में पूरी शक्ति के साथ करें।